इंदौर के राऊ थाना पुलिस ने नकली गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्यवाही करते हुए दो लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं पकड़े गए आरोपियों से लाखों रुपए के मूल्य के नकली गुटखे बरामद किए हैं। आरोपी बीते कई दिनों से नकली गुटखा बनाने का काम कर रहा था। दरअसल मामला इंदौर के राऊ थाने क्षेत्र का है, जहां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रमेश विहार कॉलोनी में अवैध रूप से गुटखा बनाने का काम किया जा रहा है। सूचना पर टीम ने दबिश देकर दो आरोपियों को मौके से अपनी गिरफ्त में लिया है। पकड़े गए दोनों ही आरोपी अनवर और एजाज खान काफी समय से नकली गुटखा बनाने का कारखाना संचालित कर रहे थे। पुलिस ने नकली गुटखा पकड़ा, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए मूल्य बताई जा रही है। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।